अगली खबर की ओर। पंजाब में पंचायतों के सदस्यों को सर्वसम्मति से चुनने के लिए और पंचायतों में राजनीति के दखल को खत्म किए जाने को लेकर पंजाब के कई बुद्धिजीवियों ने एक लोक एकता मिशन की शुरुआत की, जिसके चलते चंडीगढ़ प्रेस क्लब में एक प्रेस वार्ता के दौरान लोकराज पंजाब, कीर्ति किसान फोरम, भगत पूर्ण सिंह पिंगलवाड़ा सोसाइटी, संस्कृति और विरासत संरक्षण पहल, उत्तम खेती किसान यूनियन, पूर्व सैनिक और युवा मोर्चा द्वारा शुरू किए गए लोक एकता मिशन में शामिल होते हुए पूर्व जस्टिस रणजीत सिंह ने कहा कि सर्वसम्मति से निर्वाचित ग्राम पंचायतें गांव में व्याप्त गुटबाजी, हिंसक प्रतिद्वंदिता, अनावश्यक मुकदमेबाजी और विनाशकारी प्रतिस्पर्धा जैसे विभिन्न बुराइयों से निपटकर गांव में समरसता बहाल करेगी। इससे ग्रामीण विकास और गांव के आधुनिकीकरण में तेजी आएगी। उन्होंने कहा कि सर्वसम्मति से निर्वाचित निरपेक्ष पंचायतें प्रभावी सुशासन का मार्ग प्रशस्त कर सकती हैं और ग्रामीण पंजाब को और अधिक पतन से बचा सकती हैं। इससे सहकारी और जैविक खेती, प्रसंस्करण और विपणन के माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था कई गुना वृद्धि कर सकेगी। चंडीगढ़ से रविंद्र कुमार की रिपोर्ट। मैं सारे प्रेस वालों ने पहले वेलकम करना और फतेह बुलाना। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। ये जो असी प्रपोज किया है, बेसिकली ये ब्रेन चाइल्ड है रंधावा साहब का। इन्होंने प्रपोजल लैके मेरे को आए तो मैनू ये गल बड़ी अच्छी लगी कि पंचायत जड़िया ने उन्हां च जे यूनानिमसली इलैक्ट होण तां पिंडां विच धड़ेबाजी खत्म हो सकती है। तो पंचायत दे कोल जुडिशियल पावर्स भी ने, पंचायती राज एक्ट दे विच ही प्रोवाइडेड है। तो छोटे मोटे जिहड़े मसले ने वो पिंड विच ही सॉल्व हो जाते। ये जिहड़ी ये गल है ना, जदों दे पोलिटिकल एंट्री हुई है पंचायत लैवल पर, उदों का इस पंचायतों का बहुत कारण होया। मैं समझता है कि जड़ा जदों एक दो धड़े इलेक्शन लड़ते ने, जो पोलिटिकल पार्टियां इंटरफेयर कर दिया ने, तो पिंड लैवल के उत्ते बड़ा वो जड़ा असर है ना, वो ग्रुपिज़म हो जाती है।